बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। साझा कर रही हैं विश्व शांति दर्शन पर कहानियां अनोखी सीख। गागर में भर गया है सागर, कर रहा है मन उजागर, उन्मुक्त हुआ है कहानियों का महासागर। बस बस एक ही गोता काफी है, होगी जीवन रूपी नैया पार, मिलेगी सीख अनोखी, हो जाएगा बेड़ा पार। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन चैनल से। चैनल का संकल्पना का श्रेय जाता है विश्व शांति के अनुयायी MIT के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ को। डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ विगत 4 दशकों से विश्व में शांति की संस्कृति की स्थापना के लिए कार्यरत हैं। उन्होंने अपना ये कार्य जाति, पंथ, नस्ल, धर्म और राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर किया है। चैनल का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, शिक्षा के माध्यम से शांति का संदेश फैलाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदेश भोसले। मुकेश शर्मा जी ने जो भी संस्था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, फिर वो सरकारी हो या प्राइवेट, उस संस्था का स्तर बहुत ऊंचा किया। इस बार वो एक नए रोल में हमारे सामने आए हैं। उनकी कहानी सुनाने का जो स्टाइल है बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही इंकरेजिंग है और बहुत ही इंस्पायरिंग है, और हर कहानी में एक सीख है हमारे लिए। तो मैं चाहता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोशिश करें कि ये कहानियां पहुंचे और सबको इन कहानियों से फायदा मिले। स्वागत है आपका अद्भुत और अनोखी अंदाज से सुनाई जा रही कहानियों के इस मंच पर। देखा जाए तो एक कहानीकार का उद्देश्य ये बताना नहीं है कि आपको सोचना कैसे है, बल्कि आपको सोचने के लिए प्रश्न खड़े करना है। अपनी इन कहानियों के माध्यम से ऐसा ही कुछ करने का प्रयास है मेरा। आज की कहानी का नाम है चाणक्य और दिए का तेल। एक बार एक चीनी यात्री कौटिल्य यानी चाणक्य से मिलने आया। शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने ही वाला था। जब यात्री चाणक्य के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि चाणक्य एक तेल के दीपक की रोशनी में कुछ महत्वपूर्ण कागजात लिखने में व्यस्त है। हाँ, आप तो जानते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब बल्ब और ट्यूबलाइट नहीं हुआ करते थे, क्योंकि बिजली ही नहीं थी। उन दिनों लोग तेल के दिए जलाते थे। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए अपने अतिथि का स्वागत किया और उसे बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने जो काम करना था वो जल्दी से पूरा किया। अपना लेखन का कार्य पूरा करने के बाद चाणक्य ने वो दीपक बुझा दिया जिसके नीचे वो लिख रहे थे और दूसरा दीपक जला दिया। ये देखकर चीनी यात्री हैरान रह गया। उसने सोचा कि शायद भारतीयों के घर पर मेहमानों के आने पर ये एक रिवाज है। उन्होंने चाणक्य से पूछा, क्या ये भारत में प्रथा है जब आपके घर कोई मेहमान आता है, मेरा मतलब है एक दीपक बुझाना और दूसरा जलाना? चाणक्य ने उत्तर दिया, नहीं मेरे प्रिय मित्र, ऐसा कोई रिवाज नहीं है। वास्तव में जब आपने प्रवेश किया तो मैं काम कर रहा था। ये एक आधिकारिक काम था, मेरे साम्राज्य, मेरे राष्ट्र से संबंधित। उस दीपक से भरा हुआ तेल राष्ट्रीय खजाने के धन से खरीदा गया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण बातचीत है जो मेरे राष्ट्र से संबंधित नहीं है, इसलिए आप उस दीपक का उपयोग मैं कर नहीं सकता, क्योंकि इससे राष्ट्रीय खजाने के पैसे की बर्बादी होगी। इसलिए मैंने वो दीपक बुझा दिया है और ये दूसरा दीपक जला दिया, क्योंकि ये दीपक मेरे निजी धन से खरीदा गया है, इसका तेल। कहानी खत्म। देखें क्या सीखा हमने और आपने इस कहानी से, यही कि प्राचीन काल में इस देश के आचार्य कितने सैद्धांतिक हुआ करते थे। हमारे प्राचीन आध्यात्मिक नेताओं के ऐसे उच्च नैतिक मूल्यों को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें उनका अनुकरण करने की कम से कम थोड़ी तो कोशिश करनी चाहिए। उनका ऐसा शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आचरण, शुद्ध मन और शुद्ध विवेक था। जरा अपने आप से पूछिए, ऐसे पुरुषों को हम कौन सी मानद उपाधि दें? वे इतने उच्च बौद्धिक स्तर पर पहुंच गए थे, हम कब उनसे उनके जैसा बनना सीखेंगे? दरअसल हमारे मौजूदा राजनीतिक नेताओं को उनसे सीख लेनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी सीखने को तैयार नहीं है। अगली बार एक और नई कहानी, एक और नया फलसफा, एक और नया सबक। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए ऑटोमेटिक अलर्ट्स के लिए।